बात करेंगे धनबाद की, जहां की लोयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल का एम्बुलेंस शनिवार दिन भर भटिंडा फॉल के पास था। इस एम्बुलेंस में कोई अस्पताल बताए आपको कि इस एम्बुलेंस में अस्पताल के कई कर्मचारी भी थे जो वहां पिकनिक मनाने पहुंचे थे, और इस दौरान पूरा अस्पताल सिर्फ एक महिला और एक पुरुष कर्मी के भरोसे था। सिजुआ क्षेत्र के जीएम आशुतोष द्विवेदी भी इस दौरान पिकनिक मनाने पहुंचे थे। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो जवाब देने से वो बचते नजर आए। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जब ये पिकनिक चल रही थी, अगर उस वक्त कोई इमरजेंसी केस अस्पताल पहुंचता तो एम्बुलेंस ना होने के कारण क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता? सिर्फ दो लोगों के भरोसे अस्पताल छोड़ दिया गया और सभी कर्मचारी पिकनिक मनाने भटिंडा फॉल पहुंच गए। और इतना ही नहीं, देखिए अस्पताल का जो एम्बुलेंस था उसी में सवार होकर सब पहुंचे, यानी ना तो अस्पताल में कर्मचारी और ना ही एम्बुलेंस। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होती तो फिर कैसे हैंडल किया जाता, कैसे एम्बुलेंस पहुंचाया जाता और कैसे उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकला जाता, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब हैरानी की बात है कि एम्बुलेंस से ही पिकनिक मनाने पहुंच गए अस्पताल कर्मी। धनबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे अस्पताल को सिर्फ दो लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया, बाकी सभी कर्मचारी एम्बुलेंस में सवार होकर भटिंडा फॉल पहुंच गए। एम्बुलेंस दिन भर भटिंडा फॉल के पास खड़ी रही। लापरवाही पर सवाल अक्सर उठते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और ये इतनी बड़ी लापरवाही और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल धनबाद से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये कैसी लापरवाही है? पूरा अस्पताल तो पहले दो कर्मियों के भरोसे छोड़ दिया क्या, और दूसरी चीज ये कि एम्बुलेंस में ही सवार होकर सभी कर्मचारी पिकनिक मनाने चल दिए। देखिए आरती, ये बीसीसीएल की कार्यशैली को दर्शाता है कि किस तरह अब यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। कल की जो घटना थी, ये लोयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल, बीसीसीएल का ये लोयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल है जो पूरे एरिया का प्रमुख हॉस्पिटल है, और उसके एम्बुलेंस को सिर्फ पिकनिक के लिए अपने कर्मचारियों के द्वारा वहां उसका लगातार उपयोग किया जाना, ये एकदम निश्चित रूप से एक सवाल के घेरे में आता ही है। और उसमें भी तब जबकि क्षेत्र के महाप्रबंधक भी उस पिकनिक पार्टी में भटिंडा पहुंचते हैं और उनके सामने एम्बुलेंस से लोगों को ढो ढो कर पहुंचाया जाता है और अस्पताल को छोड़ दिया जाता है सिर्फ दो कर्मियों के भरे से। तो इनकेस अगर इमरजेंसी होती, चूंकि ये सेवा इमरजेंसी के सेवा में आती है अस्पताल और एम्बुलेंस की सर्विस, और उसको अपने शौक मौज के लिए अगर उपयोग किया जा रहा है तो एक बार निश्चित रूप से कार्रवाई की ओर संकेत करता ही है। लेकिन जीएम का भी उस पार्टी में शामिल होना, कैसे लोग समझेगा कि क्या कर सकते हैं इस बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी इस उदासीनता के प्रति, ये अब सीएमडी को सोचना पड़ेगा। क्योंकि सीएमडी बीसीसीएल को संवारने में लगे हुए हैं लेकिन उसके नीचे के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी स्थिति को फिर से बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये बीसीसीएल की कार्यशैली की उदासीनता को दर्शाता है आरती। बिल्कुल, एक कार्यशैली तो सवालों में है ही, लेकिन एक सवाल ये भी है अरुण कि दिन भर अस्पताल में कोई नहीं रहा, एक भी कर्मचारी नहीं, सिर्फ एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने शिकायत नहीं की? ये चूंकि देखिए ये बीसीसीएल का हॉस्पिटल है और लोयाबाद का हालांकि है तो पूरे एरिया स्तर का अस्पताल, और वहां पे मौजूद रहना ही चाहिए। इमरजेंसी की ड्यूटी कभी भी कहीं भी किसी से भी आ सकती है, तो और वैसे स्थिति में सिर्फ दो लोगों को वहां पे छोड़कर और पूरा अस्पताल और पूरा प्रबंधन पिकनिक में चला जाए, भटिंडा पिकनिक में पहुंच जाए एम्बुलेंस के साथ, तो ये तो कहें एक तो गंभीर बात है ही। और इस पे जहाँ तक बात उठाने की बात कही जा रही है, तो जब सारे लोग, सारे कर्मचारी और अधिकारी उस पिकनिक पार्टी में शामिल हैं,
तो फिर सवाल कौन उठाएगा। और जिनको देखने की जिम्मेवारी है, जो मजदूर संगठन अपने आप को मजदूर के हितैषी बताते हैं, वो तो भी लाभान्वित होते रहते हैं प्रबंधन से, तो उनकी भी आवाज इस मुद्दे पर नहीं उठेगी। लेकिन अब जब हम लोगों ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है, तो निश्चित रूप से ये जनता के बीच जाएगी और जनप्रतिनिधि इसका प्रतिकार करेंगे और इसका जवाब बीसीसीएल को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बीसीसीएल को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो फिर वही उठता है अरुण, कि अगर प्रबंधक ही साथ में मौजूद थे, दिन भर वहां पर एम्बुलेंस खड़ी रही और साथ में प्रबंधक भी थे, उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि आखिर ये लोयाबाद का जो क्षेत्रीय अस्पताल है वो उस पूरे एरिया को कवर करता है और वही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां इमरजेंसी केस भी लाए जा सकते हैं। ऐसे में प्रबंधक का खुद वहां पर मौजूद होना, दिन भर पिकनिक सेलिब्रेट करना, बाकी सारे कर्मचारियों को भी साथ में रखना, कम से कम उन पर तो कार्यवाही बनती है उनकी, क्योंकि जवाबदेही है। देखिए, जवाबदेही तो एक हॉस्पिटल है, तो वहां का जो एक कर्मचारी है, जो ड्रेसर है, स्वास्थ्य कर्मी है, उससे लेकर वहां के जो इंचार्ज है, जो सीएमओ है, डॉक्टर है वहां के लोयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल के, और उसके साथ साथ उस एरिया को जो पूरी तरह से कमांड कर रहे हैं महाप्रबंधक, उनकी भी जवाबदेही बनती है। और इनके खिलाफ प्रबंधन की क्या सोच है, क्या सोचकर पूरे टीम के साथ पिकनिक मनाने लोग चले गए, हालांकि हमारे प्रतिनिधि ने जीएम से बात करना भी चाहिए तो वो किस तरह बात तरका कर निकल गए, ये उनके संज्ञान में नहीं है और जांच करेंगे तब बताएंगे। ये ऐसा करके निकल जाना, इससे जवाबदेही से मुक्ति नहीं मिलेगा उनको, तो निश्चित रूप से इसमें जवाब देना पड़ेगा। और बीसीसीएल के उच्च प्रबंधन को भी इस मामले को गंभीरता से देखते हुए उनके खिलाफ कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही बनता है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी कि कब तक ये एक्शन लिया जाता है और क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका। तो पिकनिक में मस्त कर्मचारी और मरीज परेशान, ये लोयाबाद क्षेत्रीय अस्पताल के सारे कर्मचारी हैं जो एम्बुलेंस में सवार होकर भटिंडा फॉल पहुंच गए पिकनिक मनाने। हैरत की बात देखिए कि पूरे अस्पताल को सिर्फ एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी के भरोसे छोड़ दिया गया और पिकनिक स्पॉट पर खुद जीएम भी मौजूद थे। तो ऐसे में सवाल किससे किया जाए, एक्शन कौन लेगा, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है।